गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खुले बालों में और छोटे बालों में ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल पे डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियो डेली आती रहती है, तो प्लीज़ उस चैनल पे भी जाइए। सेकंड चैनल का नाम है प्रीत तिवारी टू, तो वहाँ पे आपको कपड़ों से रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं सब कुछ देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जाइएगा जरूर। एंड इंस्टा आई डी PreetTiwari24 है, वहाँ पे आपको मेरी रील्स वीडियोज देखने को मिलेगी, तो इंस्टा पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हेयर स्टाइल है वो मैं बनाने वाली हूँ इस वाले पफ से। तो कैसे बनाना है आपको, सिंपली आपको पहले अपना जो फ्रंट का हेयर है ईयर टू ईयर पार्टीशन करके इस तरीके से ले लेना है, देन इसको आपको सिक्योर कर लेना है। इसका क्या करना है ये मैं बाद में बताऊँगी। तो इसको मैंने यहाँ पे सिक्योर कर दिया, देन आपके सारे हेयर को ऊपर की तरफ से लेके जाना है। पहले आपको इस तरीके से अपने क्राउन एरिया के हेयर को हटा लेना है ऐसे, और यहाँ पे आपको जो ये मैंने दिखाया था इसको यहाँ पे सेट कर लेना है ऐसे, एकदम सेंटर में होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली अपने सारे हेयर को इसके ऊपर से लेके जाना है। ओके, जब आप इसको ऊपर से लेके जाओगे हेयर को तो ऑटोमेटिकली आपके हेयर इनके साथ चिपक जाएंगे, और इस साइड के सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। जिनको बिल्कुल हेयर स्टाइल नहीं आता है वो भी बना सकते हैं, ये इस तरीके से लेना है एंड अच्छे से पफ को हाइड करते हुए, छिपाते हुए सारे हेयर को। इस तरीके से एंड क्लिप लेना है, बॉबी क्लिप, एंड इसको सिक्योर कर देना है अच्छे से बालों को। पफ कहीं से टेढ़ी मेढ़ी लग रही है तो उसको आप सेट कर लीजिएगा। तो ये मेरा सेंटर में हो गया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने हेयर रखा था इसको ओपन कर लेना है, देन थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है एंड ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके पफ के जस्ट नीचे से लेके जाएंगे, बैक साइड में ले जाके क्लिप की मदद से सिक्योर कर लेना है। सेकेंड लेयर लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, जो पहला ट्विस्टिंग था उसके जस्ट नीचे से लेके जाएंगे, और इसको भी उसी क्लिप में आप सिक्योर कर लो। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप दूसरा क्लिप यूज कर सकते हो। एंड थर्ड लेयर लेंगे, और स्टार्टिंग से ही अगर शॉर्ट है तो स्टार्टिंग से ही ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे शॉर्ट है, लेयर्स मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। आपकी चॉइस है, आपको निकालना है तो ठीक, अदरवाइज आप इस तरीके से सारे हेयर को ट्विस्ट करके बैक साइड में लेके जा सकते हो एंड क्लिप के साथ सिक्योर कर लेंगे। तो ये काफ़ी स्टाइलिश है एंड छोटे बालों में बन जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो कोई फेस्टिवल सीजन है तो आप और वेडिंग वगैरह में भी आप इस तरीके का हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, साइड से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे बेबी हेयर्स की प्रॉब्लम है तो आप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। तो ये हमारा आज का हेयर स्टाइल था, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि पसंद आया हो। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे फ्लावर वाले जो यूपिन आते हैं वो यूज कर सकते हो, चाहे कोई भी हेयर को अच्छा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कोई भी हेयर एसेंसरीज है आपके पास तो आप वो यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का लुक हमारा कंप्लीट हो गया हेयर स्टाइल, और बहुत इजी है, छोटे बालों में भी बना सकते हो। तो अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये ऐसे इजी और हेल्पफुल हेयर स्टाइल आप खुद से बना पाओ विदाउट किसी की हेल्प लिए, बिना किसी की हेल्प लिए। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने मंगाया था ये फ्लिपकार्ट से
एडीएस का ब्यूटी सुपर शाइनिंग आई लाइनर वाटर प्रूफ इस पर लिखा हुआ है, बट मैंने इसको टेस्ट किया और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आपने, आप भी देख रहे हो इसको और आप लेना चाहते हो, तो अगर वाटर प्रूफ सोच के ले रहे हो तो ये वाटर प्रूफ नहीं है। इस पे 4D लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा वाटर प्रूफ लिखा हुआ है ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। मैंने इसको अपने हाथ पे चेक किया था, देन थोड़ी देर बाद से पानी से ऐसे किया तो ये पूरा निकल गया था। तो आप भी अगर लेना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।